हेलो फ्रेंड्स, आज का रेसिपी है सिंपल तरीके से बर्थडे केक। इसके लिए हम लोगों को जो जो चाहिए वो है 4 to 5 पीसेस वाइट ब्रेड, अमूल फ्रेश क्रीम, डार्क चॉकलेट और चाहिए चेरी। ये ऑप्शनल है, चाहे तो यूज़ करें, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी हम लोग 250 ml अमूल क्रीम लेंगे और इसको वार्म करेंगे। याद रखिए, इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अभी क्रीम देख सकते हैं, थोड़ा सा पतला हो रहा है, ऑलमोस्ट हो गया। ध्यान रखिए, जो अमूल क्रीम है इसको हम लोगों को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म होने से हो जाएगा। अभी हम लोग 500 ग्राम चॉकलेट लेंगे और उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट करेंगे, क्योंकि छोटा टुकड़ा होने से वो मेल्ट होने में इजी होता है, चाहे आप माइक्रोवेव में करें या डबल बॉयलर में। एक चीज़ याद रखिए, आप जितना क्रीम लेंगे उससे डबल आपको चॉकलेट लेना पड़ेगा। मतलब 500 क्रीम में 1 kg चॉकलेट, 250 ml क्रीम में 500 चॉकलेट। अभी हम लोग एक स्टील के सॉसपैन में पानी लेंगे और हल्का सा गर्म करेंगे। हल्का गर्म होने के बाद हम लोग चॉकलेट रखेंगे और ओवन का फ्लेम मीडियम फ्लेम में रखेंगे। तो अभी चॉकलेट धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। अब इसी तरह स्पून से चॉकलेट को ऊपर नीचे करते रहिए। अभी हम लोग चॉकलेट के ऊपर क्रीम डालेंगे और दोनों को अच्छा से मिक्स करेंगे। शुरुआत में चॉकलेट थोड़ा हार्ड हो जाएगा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, चॉकलेट के ऊपर ही क्रीम डालना, कभी क्रीम के ऊपर चॉकलेट मत डालिए, उसमें आपका चॉकलेट हर्डल हो जाएगा, पूरा मिक्सचर खराब हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ऐसे धीरे धीरे चॉकलेट गार्निश रेडी हो रहा है और जो मिक्सचर है वो भी धीरे धीरे सॉफ्ट होते जा रहा है। अभी हम लोग एक कटोरी में 3 tablespoons शुगर लेंगे, पाउडर शुगर, और 2 छोटा पैकेट कॉफ़ी पाउडर लेंगे। अगर कॉफ़ी पाउडर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अच्छे से हम लोग हिलाएंगे, शुगर और कॉफ़ी पाउडर को अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद हम लोग इसमें पानी डालेंगे और बस हम लोगों का शुगर सिरप रेडी है। अभी वाइट जो स्लाइस ब्रेड है उसका साइड पोर्शन मैं काट दूंगी। अभी मैं वाइट ब्रेड को छोटा छोटा पीस करके एक मोल्ड में अरेंज कर रही हूँ। ध्यान रखिए कि पूरा केक मोल्ड अच्छा से वाइट ब्रेड में भर जाए। थोड़ा हाथ के प्रेशर से मैं इसको सेट कर रही हूँ। अब जो शुगर सिरप बनाए थे वो मैं डालूंगी ब्रेड के ऊपर।
और एक चीज़ ध्यान रखना कि पूरा वाइट ब्रेड ब्राउन ना हो जाए। अभी स्पून से मैं इसको सेट कर रही हूँ। अभी मैं 10 ग्राम जिलेटिन लूंगी और उसमें मिलाएंगे हॉट वाटर और दोनों को मिक्स करके एक दो मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो जिलेटिन ना भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आप जिलेटिन अगर यूज़ नहीं करेंगे तो केक को डीप फ्रीज से निकलने के बाद ही कट कर लीजिए। अभी जो केक हम बना रहे हैं उसको ज़्यादा टाइम हम बाहर नहीं रख सकते हैं, इसीलिए फ्रिज से केक निकाल के ही काट लीजिए और सर्व कीजिए। अभी मैं चॉकलेट गनाश के ऊपर मिलाऊंगी जिलेटिन और अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अभी जो चेरी काट के रखी थी मैं उसको भी इसी गनाश के अंदर अच्छा से मिक्स कर देंगे। अभी गनाश को एक मोल्ड के अंदर धीरे धीरे डाल देंगे। अभी हम लोग केक मोल्ड को सिल्वर फॉइल से ढक दिए और टूथपिक से छोटा छोटा होल बना दिए। अभी इसको हम लोग 6 घंटे के लिए डीप फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। केक को फ्रीजर से निकाल लिया 6 घंटा बाद। अभी मैं एक कपड़ा को गर्म पानी में डुबा के एक मोल्ड के साइड में और नीचे लगाऊंगी, इसलिए ये जो मेरा केक है वो सॉफ्ट हो जाए और डीमोल्ड होने में इजी हो जाए। देखिए कितना अच्छा से आ गया। अब इस केक को ऐसे भी रख सकते हैं। शुरू करते हैं इस केक का दूसरा डेकोरेशन, परफेक्ट बर्थडे केक वाला डेकोरेशन। मैं थोड़ा गनाश पहले से बना के रखी थी, अभी मैं पूरा केक को गनाश से कोट करूंगी। अभी हम एक बटर पेपर के ऊपर डार्क चॉकलेट मेल्टेड डालेंगे और एक पैलेट नाइफ से इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे, फिर बनाएंगे चॉकलेट गार्निश। अभी चॉकलेट हार्ड हो गया, अभी हम लोग नाइफ से छोटा स्क्वायर चॉकलेट बॉक्स बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं।
अभी इसको फ्रीजर में रखेंगे। 2-3 मिनट के बाद फ्रीज से बाहर किया। जो चॉकलेट का ब्लॉक बनाए थे उसको इस तरह से हम लोग केक के साइड में लगाएंगे। हैं, एक बात बताना भूल गई थी, इस केक के ऊपर गनाश डालने के बाद आप लोग प्लीज केक को फ्रीज़र में रखिए, सेट होने के बाद निकाल के गार्निश करिए। मैं यहाँ पे चेरी से गार्निश कर रही हूँ। अगर आपके पास चेरी ना हो तो आप और कुछ चीज़ से भी गार्निश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी हम लोगों का बर्थडे केक तैयार है। अभी बस इसके ऊपर हम लोग कोको पाउडर स्टेन करेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी। अगर किसी का बर्थडे है तो ऊपर बस हैप्पी बर्थडे लिख के दीजिए।